कि सर जो है पेपर डिस्कशन करेंगे, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट के 15-20 मिनट में करूंगा। ठीक है, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें मैंने देखा था, हम लोगों ने 3 पार्ट करके लिखा था। पार्ट 1 या तो फिर ब्रॉडली क्लासिफाई करूं, सिर्फ 2 था बट मैं 3 का दे रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलो भाई, सो फर्स्ट हेडिंग प्लीज राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब देखो, थोड़ी देर के लिए सभी लोग प्लीज, ये बोला है कि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन ने बना लिया है। सो दिस इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी विच इज अटैच टू द राइट साइड कार्बन। देन अगेन इट मे बी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है ना, एक कंडीशन है, ए मस्ट नॉट बी बी, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी, या तो फिर तुम चारों ग्रुप अलग रख दो। डी मस्ट नॉट बी इक्वल टू एफ, डी मस्ट नॉट बी इक्वल टू एफ, मतलब ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो अब देखो, कोई नोट नहीं करेगा, अभी कुछ भी नोट नहीं करेगा। क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मैंने बोला था जहां पर भी तुमको डबल बॉन्ड दिख जाए sp2, सिंगल बॉन्ड दिख जाए कार्बन sp3, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए sp, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड अगर मैं ग्रुप्स को चेंज कर दूं, ए को ऊपर, बी को नीचे, बी को नीचे, ऊ को और ए को नीचे, बी को ऊपर, यहां पर एफ को ऊपर कर दो, डी को नीचे कर दो, या डी एफ को ऐसे रहने दो, ए बी को चेंज करो, या ए बी को वैसे ही रहने दो। सपोज ए बी रिमेन सेम एंड यू आर चेंजिंग पोजिशंस ऑफ डी एंड एफ, ठीक, देन ज्योमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस के नीचे, देन ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट अबव द ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड
below to the geometrical axis, they are having different positions in three dimensional space. मैं a को d की जगह नहीं लिख रहा हूं ना, a की जगह पे d नहीं लिख रहा है, सिर्फ a b को एक्सचेंज कर रहे हैं ऊपर नीचे. We are not breaking the bond. Space और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड को ब्रेक करके आइसोमर नहीं बनाता. In structural isomerism, all the isomers are formed because of breaking of the bond. यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन शिफ्ट कर रहा हूं बस. बट अटैचमेंट, सपोज ए इज अटैच विद कार्बन, दैट कार्बन सी ए बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन. ओके, इसके पहले क्या हो रहा था, मैं ए को उठा करके डी की जगह पर रख रहा था, लाइक पोजिशन चेन फंक्शनल मेटामेरिज्म सभी जगह एवरीवेयर. यहां पे मैं बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहा, सिर्फ ए की जगह बी, बी की जगह सी, सिर्फ ए की जगह बी, बी की जगह पे ए. आई मीन वी आर एक्सचेंजिंग द पोजिशन अराउंड द ज्योमेट्रिकल एक्सिस. ओके, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, लिख लो जल्दी से. एक्स लिख लो, एक्स एक्स एंड आइसोमेरिज्म इज and isomerism is arising due to 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 change in Due to change in due to change in position of due to change in position of functional groups मैंने लिखवाया था, एक्स लिखा था, एक्स के बाद आइसोमेरिज्म इज अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ड्यू टू चेंज इन ग्रुप्स और एटम्स, due to change in groups or atoms, due to change in groups or atoms, bhai kitni baar repeat karun, main bhi wahi to bol raha hu. Maine likhwaya tha x and functional group is arising due to change in functional group. Change in functional group, change in position लिखो तो ज्यादा अच्छा है, change in position of a functional group, due to change in position of functional groups, due to change in position of functional groups around the geometrical axis, around geometrical axis of any carbon. एनी कार्बन या एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखो तो और भी अच्छा रहेगा, एनी कार्बन से नहीं पता चलेगा, डबल बॉन्ड होना जरूरी है. ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब मैं इसको एग्जांपल लूं. चैत्राली बोल रहे हैं सर बॉन्ड चेंज होने के बिना पोजीशन चेंज कैसे होगा, बिल्कुल होगा ना. देखो अभी देखो, वही मैं बोल रहा था, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल देन इट विल बी मोर क्लियर. ऐसा
अच्छा एग्जांपल से पहले प्लीज लिखो, कंडीशंस लिखो, कंडीशंस लिखो, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लीज, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला लिखो, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कंडीशन नंबर वन, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कंडीशन नंबर टू, ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ओके पहला क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए था। दूसरा क्या होना चाहिए था, एक ही कार्बन पे जो दो ग्रुप अटैच होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। कंडीशन लेवल तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो सारी कोचिंग में ये एग्जांपल लिया जाता है और इसी के बाद सोचो खत्म कर देते हैं लोग। मैं यूं हूं कि तुमको 10 एग्जांपल यहां वहां से ले ले करके और इतना हेडेक ले लेकर के करते हैं। किसी भी कोचिंग में स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस वगैरह उधर तो करा देते हैं, बट बाकी जगह ऐसे ही कुछ नहीं कराते सर। बोलो सर, वो डी और बी या डी और ए सेम हो सकते हैं? देखो देखो इससे ज्यादा समझ में आएगा। वो छोड़ दो, एबीसीडी क्या था, वो सिर्फ समझने के लिए था। फोर डिफरेंट ग्रुप्स थे, थोड़ी देर के लिए सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, इसी को डी लिखा था, इसी को एफ लिखा था। तो ए डी के बराबर हो सकता है, बी एफ के बराबर हो सकता है, बट ए बी के बराबर और डी एफ के बराबर नहीं हो सकता। अब समझ में आया? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Achalkar. Achalkar, koi problem? चलो भाई आ जाओ। तो ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बस। डी एफ के बराबर नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। आ जाओ यहां पर देखो, पोजीशन चेंज कर दिया नहीं कर दिया, क्या चेंज कर दिया, देखो डी और एफ को उठा करके ऊपर नीचे कर दिया। आई एम नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया घुमा करके।
मैंने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर घुमा करके कर दिया, बस। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस सर, यस यस बोल रहे हैं सर, सब लोग, यस। यस सर। चलो भाई, इसीलिए बोला था ABCD वहां पे क्या लिखा उसको भूल जाओ। तो अब देखो, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स क्या जानते हैं कि ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं और ये दोनों छोटे छोटे हैं। दोनों बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड होंगे तो मैं उसको बोला करता हूं सिस फॉर्म। यहां पे दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के देखो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। कैसे पता चला कि दे आर अपोजिट? ये देखो, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर देखो दोनों ग्रुप सेम साइड, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के नीचे ऊपर नीचे देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, तो लिख लो जल्दी से। राइट डाउन फास्ट। ठीक है ना? आगे बढ़ूं? यस। चलो भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जरूरी तो नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा। क्या कर सकते हो तुम? वेदांग बोले हैं कि प्लीज रिपीट करिए। ये देखो, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर दोनों बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। कौन बड़े बड़े ग्रुप? ये देखो, कौन कौन से? ये देख, CH3 एंड CH3, बोथ आर सेम साइड, बोथ आर सेम साइड। अगर दोनों सेम साइड हुए तो, दोनों सेम साइड हुए तो सिस फॉर्म। दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हुए तो ट्रांसफॉर्म। ठीक वेदांग, सर, समझ लगा? सर अब आओ, सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे खत्म, खत्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आओ, मैं बोलता ऐसा, नाउ दे आर, बोलो दे आर सिस और ट्रांस। ट्रांस इस ग्रुप के देखो, बड़े वाला ग्रुप ये वाला, बड़ा वाला ग्रुप ये वाला, ट्रांस। बड़ा ग्रुप ये वाला, अब बोलो सिस या ट्रांस? ट्रांस 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 बोलो, ट्रांस
ट्रांस, क्यों? क्योंकि दोनों बड़े बड़े ग्रुप कौन से है, ये वाले और ये वाले, अपोजिट। अब चलो मैं देखता हूं ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ये सभी जगह जो बताते हैं दूसरी कोचिंग वाले, वो कैसे हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो क्या होना चाहिए? ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? बोलो, सिस और ट्रांस? बोलो, कोई तो बोलो। ट्रांस ट्रांस चलो आओ देखते हैं, कोई सिस बोल रहा है, कोई ट्रांस बोल रहा है। अब मैं वैसे देखूंगा ही नहीं, अब मैं वैसे देखूंगा ही नहीं, जैसे पहले बड़ा वाला ग्रुप देख देख करके बोल रहे थे। अदरवाइज 200% श्योर है कि तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। राइट साइड वाला क्या दिख रहा है, राइट कॉर्नर बॉटम साइड, राइट साइड बॉटम साइड मृतिका, राइट साइड बॉटम साइड? यस, दिस इज बेंजीन। ये क्या दिख रहा है? अरे बेंजीन क्या होता है रे भाई, मैं बोला सिस या ट्रांस है, वो बता। मानस बोल रहे ट्रांस, अनुश्री ट्रांस, अनुश्री मृतिका, स्नेहल, वेदांग, प्रणव, और भी है कोई? हर्षित, सिस और ट्रांस? हर्षित कुमार, सिस या ट्रांस? चलो भाई, नन बोल रहे, नन। सुहेश बोल रहे नन, बिल्कुल भी नहीं। चलो आ जाओ, अब आओ, जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब उल्टा सीधा था, वो कोई मेथड ही नहीं है पहचानने का। जो मैं बोल रहा था कम बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप कुछ भी नहीं, वो सब रॉन्ग है, वो कोई मेथड ही नहीं है पहचानने का। वो तो तुम्हारे दूसरे कोचिंग वाले ये बोलेंगे उनके बताने के लिए था। जो मेन मेथड है इज कॉल्ड एज सीआईपी। ऐसा मैं अलग से नहीं करा रहा हूं, अपने टेक्स्ट बुक में गिवन है। लोग, मैं तुमको पहले बता दूं, टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए, मेरा नीट आईआईटी सब हो जाएगा। मैंने बोला अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो लोग बदमाशी करते हैं, करते नहीं है। दिस इज कॉन इन गोल्ड प्रीलॉन्ग रूल। देखो, टीचर्स की पहली प्रायोरिटी है कि उनको ये लगता है कि ज्यादा टफ मत पढ़ाओ, नहीं बच्चे भाग जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वही कराते रहते हैं। अच्छा लगने से क्या होता है बेटा, ना तो सीईटी निकल, सीईटी सिंपल सीईटी भी ना निकलेगा वाली। कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का। अब प्रॉब्लम यह है कि कौन ये सब याद रखेगा, इन्फिनिट हो सकते हैं। क्यों? CH3 पर CH2Cl लगा दो, CH2 और ग्रुप लगा दो, वो है ऑल ग्रुप्स आर चेंजिंग। उनके कहने का मतलब था कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी में ऊपर दिया जाता है उसको,
अब वर्ड आया प्रायोरिटी, जिसको तुम बड़ा बड़ा ग्रुप बोलता था, छोटा ग्रुप बोलता था, अब मैं उसको नया नाम दे रहा हूं प्रायोरिटी नंबर वन, छोटे वाले को प्रायोरिटी नंबर टू, प्रायोरिटी नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर टू। वन वन आर अपोजिट टू ईच अदर, टू टू आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक, बिल्कुल यहां पर वही चीज करना है, ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है। सीआईपी रूल कौन लिखे, इससे अच्छा है बहुत बड़ा सीरीज देता है, देखना बुक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े सीरीज देता है, मत याद करो, नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। मैं बताता तुमको, एक छोट एक वर्ड में खत्म करता पूरे रूल को। यहां से आगे बढ़, कौन सा एटम अटैच है, सी, नॉट सी एस थ्री, आई एम सेइंग एटम, ठीक है ना। अगर एटम है तो सी, यहां से आगे चलो क्या अटैच्ड है, सी, बोथ आर सी एंड सी। जब तक सेम आता रहे, जब तक सेम आता रहे तब तक कंपेयर करो, और जब तक कि डिफरेंस ना आ जाए। तो सी एंड सी इज सेम, बट उसके ऊपर उधर एच एच एच, इधर क्या है सी एंड सी। जब तक सेम आए कंपेयर करते रहो, जैसे डिफरेंस आए रुक जाओ, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है इससे, इसलिए हैवियर वन लाइटर टू। इससे आगे बढ़, सी इज अटैच्ड, इधर जाओ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। अब तुम लोग बोलो, ट्रांस बोल रहे थे बेटा, बल्कि बल्कि ग्रुप वन वन आर सेम साइड, उससे भी बड़ा एग्जांपल देखो जिसको तुम लोगों ने 100% ट्रांस बोला था, पूरी क्लास ने ट्रांस बोला था और पूरी क्लास राउंड में। सी से अटैच्ड इज सीएल, सी से अटैच्ड इज बेंजीन, बेंजीन का पहला एटम सी, एटॉमिक वेट ऑफ सीएल इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ सी, बस खत्म, नो नीड टू कंपेयरिंग ऑल द अदर एटम्स। इधर से आगे बढ़, सेम सी, इधर से आगे बढ़ा सी, बट उसके बाद सी सी, उधर एच एच एच, जान बुझ करके मैंने दिया है। मुझे अगर पेपर बनाना हो नीट का, तो मैं इतने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बना दूं कि सब लोग गलत करके आएंगे, इसकी गारंटी है। बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा, बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप भूल जा। एंड बिलीव मी, दूसरी कोचिंग में यही हुआ है कि बड़े बड़े ग्रुप देखो किधर है, सेम साइड अपोजिट साइड, एंड नॉट मोर देन वन एग्जांपल। हाँ है ना, का ही प्रॉब्लम आए का? नो सर। सर क्या सिस और ट्रांस एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? सिस और ट्रांस मतलब कैसे, उसी कंपाउंड का? ये नोट कर लिया क्या? प्लीज नोट डाउन फास्ट। नोटेड, लिहून घेतला का रे? यस सर। यस, चलो आ जाओ, ये ले बेटा, ये लो, ये
सिस है या ट्रांस है? सिस या ट्रांस और भी करो, और भी करके देखो। कुछ नहीं है, हाथ से जो निकल जाए वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, डरने वाली बात ही नहीं है। लेफ्ट वाला ट्रांस तो बेटा ऐसे ना, तुमको आईआईटी में प्रॉब्लम्स को परेशान करने के लिए देते हैं। ऐसा आईआईटी नीट में तो खैर ऐसा आता है कि हम लोग कर सकते हैं सिंपल। तो क्या नीट और क्या आईआईटी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो आ जाओ लेफ्ट साइड को देखो। लेफ्ट साइड दिस इज गिवन इन, अगर मैं बोर्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूं मेरा हो जाएगा। एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन बोर्ड टेक्स्ट बुक, मतलब ऐसे कंपाउंड नहीं बनाए बट सैंपलिंग मेथड वो दिए हुए हैं। यहां से आगे बढ़ क्या मिला, एन, इधर से मिला सी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इंजन इतना लगा दिया मैंने डिब्बे के, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आता है वहां तक तुम देखते हुए चलो। सब लोग बोल रहे अरे नाइट्रोजन का अटोमिक, वेदांत क्या आदमी है तुम, नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर इज ग्रेटर देन अटोमिक नंबर ऑफ कार्बन। एंड दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी, बट उसके पास तीन हाइड्रोजन है, इधर कार्बन कार्बन कार्बन। बड़ा ग्रुप देख करके नहीं करना है, ग्रुप को प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, कॉन इन गोल्ड प्री लॉग रूल। चाहो तो लिख लो सीआईपी रूल में, सीआईपी रूल में लिखो कॉन इन गोल्ड प्री लॉग रूल। देखो हायर इज द अटोमिक वेट, हायर इज द अटोमिक वेट, higher is the atomic weight, greater will be the preference. Higher is the atomic weight, greater will be the preference. Preference या priority of the atom. Priority of the atom. अब देखो ट्रांसफॉर्म को ही ई फॉर्म बोला करता हूं। ई का मतलब होता है इंट गैगन, इंट गैगन का मतलब क्या है, ये सब ग्रीक वर्ड टाइप के है। इंट गैगन का मतलब होता है अपोजिट, बस इंट गैगन, इंट गैगन। ई फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा तुझे हर जगह, ई फॉर्म। Instead of writing trans, they will write E form. Instead of writing trans, they will write E form. तो पीछे भी मैं लिख सकता था, cis को लिखते हैं Z form. Z का मतलब होता है जूसामन, जूसामन मतलब together. जूसामन, Z-U-S-S-A-M-A-N-N, जूसामन मतलब together. ट्रांस वाले को ई फॉर्म एंड सिस वाले को जेड फॉर्म। ओके इधर से आ जाओ,
सर ई फॉर्म का मतलब क्या बताया आपने, इंट गैगन अपोजिट अपोजिट. ओके सर थैंक यू. इंट गैगन अपोजिट ई एन टी जी ए जी एन इंट गैगन अपोजिट. चलो यहां से आगे बढ़, बी आर अटैच है, इधर सी अटैच है, हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड. इधर से आगे बढ़, किसको दू प्रायोरिटी, ऊपर या नीचे, राइट साइड, राइट साइड प्रायोरिटी इज गिवन टू, प्रायोरिटी इज गिवन टू, प्रायोरिटी इज गिवन टू ऊपर या नीचे फर्स्ट, बोलो सब लोग. अपर अपर, क्यों अपर भाई, वाई अपर, वाई अपर. प्रणव बोले नीचे. डबल बॉन्ड हो इसलिए बोले, अनुश्री बोले डबल बॉन्ड है इसलिए. तो देखते हैं भाई, देखो इधर देखो, यू कैन नॉट कंपेयर डबल बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड, इसीलिए देर इज अ रूल. वो रूल क्या है, अगर मैं सीबीएसई का रेफरेंस उठाता हूं तो लाइक प्रदीप एबीसी उन सब में दिया है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट दैट इज कमिंग इन द कॉम्पिटिशन सेट वगैरह अगर मैं देता हूं, या फिर मैं सीटी नीट आईआईटी देता हूं तो उधर रहेगा. तो इसको पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स. नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ. वेदांत कुमार इधर देख, एक्स वाई से कितनी बार अटैच है, एक्स वाई से कितनी बार अटैच है, तो एक बॉन्ड को समझ ले कि एक बार, दो बॉन्ड को दो बार, इसलिए मैंने क्या किया उसको स्प्लिट कर दिया. ठीक, वाई एक्स से दो बार, एक्स वाई से दो बार, वाई एक्स से दो बार, इसलिए ऐसा कर दिया. हाँ या ना, पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया, ये बोलो समझ में आया या नहीं आया. सर वो नीचे वाले एक्स और वाई को भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना. कुछ नहीं कनेक्ट करना है, ऐसा है सपोज कीटोन का ग्रुप ले ले, ये एक्स है ये वाई है, कुछ बैलेंसी वगैरह कुछ भी नहीं देखना है. सी से ओ, ओ से सी, सी से ओ, सी से देख लो दो बार अटैच हो गया क्या, ओ नीचे राइट, ऑक्सीजन से दो बार कार्बन अटैच, एक लेफ्ट एक नीचे, ऐसा कुछ वैलेंसी नहीं देखना है. अनुश्री समझ का, यस और नो. तो वैसे ही है यहां पर, इधर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू पहले से है, इसको कन्वर्ट करो कैसे, सी सी दो बार अटैच है किससे, कार्बन, ठीक है यहां पे एक्स एंड वाई बोथ आर सेम, हो गया. देखो ये वाला सी टू टाइम्स अटैच राइट साइड एंड अपवर्ड, इस कार्बन को पकड़ो लेफ्ट साइड एक, ऊपर एक कार्बन से अटैच, स्प्लिट कर दिया. अब कंपेयर करना स्टार्ट करो, नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग. कोई कुछ नोट ना करेगा, नहीं समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी है. इधर से आगे बढ़, येलो वाला सी, ऊपर जा ग्रीन वाला सी, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन सेम, इधर कार्बन
इधर भी कार्बन से बट इधर एक हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस वन। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? दर्शन बोल रहे हैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर हाँ बोलो। सर अगर आपने नीचे वाला जो स्ट्रक्चर किया है ना कंपेयर ऊपर वाले से, हाँ तो नीचे वाले में अगर आप वो पहला पहले सी और दूसरे सी के बीच डबल बॉन्ड लिखवाते तो दोनों भी सेम ही होता ना? नहीं, तब दोनों सेम नहीं होता, तब नीचे वाला हो जाता। क्यों? क्योंकि इधर जा करके देखो ऊपर दो हाइड्रोजन है खत्म, लेकिन इसमें सी 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 मिलता रहता ना, तो थोड़ी देर के लिए तो सेम रहता, बट आगे चल करके इसमें नंबर ऑफ कार्बन इज मोर। ओके सर। अरे इसमें दो ही कार्बन है ना रे भाई। यस सर समझे। इसमें चार पांच कर लेता था पहला डबल बॉन्ड सेम, उसके आगे कंपेयर करता। अगर सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके आगे का कंपेयर करो, और तब तक कंपेयर करते रहो जब तक सेम नहीं आ जाते या डिफरेंट नहीं आता। डिफरेंट जैसे है रुक जाओ, का ही प्रॉब्लम आएगा। दर्शन बोले स्टेटमेंट लिखने के लिए, लिखो स्टेटमेंट। लिखो फॉर एस आई पी रूल, फॉर एस आई पी रूल कंपेयर, फॉर एस आई पी रूल कंपेयर सी आई पी है ऐसा। SIP नहीं रे बाबा, CIP। कॉर्न इन गोल्ड रूल, ये देखो कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। CIP तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वो नहीं। हाँ मैंने क्या लिया था, इन क्या लिख लिया था बोलो, इन सीआईपी रूल कंपेयर, हाँ कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स वन बाई वन, कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स वन बाई वन, विच आर डायरेक्टली अटैच टू, कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स, कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स, compare all the elements which are directly attached to carbon carbon double bond, which are directly attached to the carbon carbon double bond, which are directly attached to the carbon carbon double bond with respect to atomic weight। ठीक, ये घर पे पढ़ने के लिए है। With respect to atomic weight, with respect to atomic weight, and if point of difference is coming, if point of difference is coming, point of difference is coming, then stop comparing. If point of difference is coming, then stop comparing.
then stop comparing. Higher atomic mass is given. Higher atomic mass is given higher priority. Higher atomic mass is given higher priority. Shall I proceed forward now? Yes, sir. ठीक है दर्शन एक नहीं बहुत सारे दे देंगे ये राइट कॉर्नर वाला बोलो वेदांग प्रणव सोहेश इतने लोगों के वीडियो चल रहे यस वीडियो क्यों चला रखा है सबने अरे वो वीडियो यस बनियान पे बैठा है तुझे सब देख रहे हैं अरे चल रहा है वीडियो मेरा क्या चल रहा है सर ऑफ है सर इधर ऑफ दिखा रहे सर हाँ तो तू बनियान पे बैठा था मुझे कैसे पता चला सर मैं बनियान में कहाँ बैठा हूँ साहिल का स्वरूप था अच्छा साहिल का है क्या चलो भाई ये सिस है या ट्रांस है मेंटर बोलो सिस या ट्रांस सिस या ट्रांस राइट वाला वन वन एक दूसरे के अपोजिट तो ट्रांस का मतलब है ई फॉर्म ट्रांस का मीनिंग है ई फॉर्म यस तो चलो मुझे कौन बताएगा पहले बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो ये मयूर कॉलोनी का ड्रॉबैक है कि लोग कुछ नहीं कराते बोलो भाई सिस और ट्रांस अच्छा पहले ये तो बोलो ये शो करेगा या नहीं करेगा दर्शन बाबू तो ये शो करेगा हा बिकॉज दे आर डिफरेंट इट इज डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक मास आर डिफरेंट यस दिस इज सिस एटॉमिक वेट इसका ज्यादा है ट्रिटियम का एटॉमिक वेट इसका ज्यादा जिसको लगता है और उसको करना है तो घर से कर लेगा इन सब का कुछ मीनिंग है क्या इतना बड़ा बड़ा बना दिया इतना छोटा छोटा बना दिया बताओ कुछ मीनिंग नहीं है ये सिर्फ डराने के लिए होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है एक मिनट में उड़ा करके रख देगा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे तो ये मेरा होता है फिनिश क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब सभी लोग टेस्ट पेपर को निकाल लो सभी लोग टेस्ट पेपर को निकाल लो
बोलो निकाल लिया सबने, चलो आ जाओ पेपर पेपर निकालो सभी लोग और अपने आंसर शीट सामने रख। सर हाँ बोलो सर मेरा वो एग्जाम था ना तो मैं कल देने वाली थी पेपर, मैं कल सुबह ही देके आपको सेंड कर दूँ क्या, आप चेक कर लेंगे क्या तब? मैं अभी फिर लॉग ऑफ करती हूँ। ठीक है ओके सर। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये मैंने बाय डेफिनेशन लिखवाया था कि केमिकल बॉन्ड्स आर नथिंग बट दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग। जिन लोगों ने ऐसा लिखा है वो अपने आप को डेढ़ मार्क्स दे सकते हैं। Why bonds are formed? तो bonds are formed, reason number one, minimization of energy and completion of doublet and octet. ठीक है ना, ऐसा पूरा लिखना था। थ्री मार्क्स का मतलब है कि मिनिमम यू हैव टू राइट सिक्स लाइन्स, मिनिमम यू हैव टू राइट मिनिमम यू हैव टू राइट फाइव टू सिक्स लाइन्स। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 NH3 एंड SiCl4। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? सेकेंड पार्ट, एक 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 क्वेश्चन। कार्बन ऑक्सीजन के राइट साइड में इलेक्ट्रॉनिक डॉट बना बना करके ऑक्टेट कंप्लीट कराना था सर्कल कर करके। मैं सॉल्व करूं क्या? नहीं है तो मैं बता देता हूं जल्दी से। बोल रहे लोग, कुछ लोग बोले नहीं सर हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक बता देता हूं। ऑक्सीजन इज हैविंग, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना उसके सामने रख देते हैं, बस हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये कंप्लीट करने के लिए ऐसा लगेगा, ऐसे ही सबका बनाना था। ठीक, सो यू कैन गिव वन 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 मार्क्स थ्री फॉर ईच। सेकेंड मैंने लिखा, थर्ड वन, राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। वो क्या था? एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल एंड कॉन्ट्रेक्शन इन, एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल, सेकेंड था कॉन्ट्रेक्शन इन ऑक्टेट रूल। याद आया कुछ? तो दोनों के लिए 1.5 देना है सर। वो ज्योमेट्री और शेप का बता, शेप के इसलिए किसमें लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर करना था, ये वाला ड्रॉ करना था? नहीं नहीं नहीं, वो थर्ड क्वेश्चन में ड्रॉबैक्स वाला। हाँ ड्रॉबैक्स में हम, हाँ वो स्ट्रक्चर सही से प्रेडिक्ट नहीं करता है। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, बट मेन मेरा ये वाला है, उसके बाद तुम जितना भी लिखो। ओके सर। क्या चीज सर? कंपैरिजन था ना सर। तेरी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही सर। वो बोल रहा है कि कंपैरिजन ऑक्टेट रूल था ना, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कंप्रेशन ऑक्टेट रूल। कॉन्ट्रेक्शन और कंप्रेशन इन ऑक्टेट रूल, दोनों दो वही बोल सकते हैं। उसके बाद ना तो स्ट्रक्चर बताता है, बॉन्ड स्टेबल क्यों है ये नहीं बताता है, ऐसा ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स थे। देन फोर्थ वन, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन वैलेंस बॉन्ड थियरी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स मैंने 7-8 पॉइंट लिखवाए थे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, है ना. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रीअरेंज हो जाते थे, रिपल्सर मिनिमम हो. फिर मैंने बोला था जब भी बॉन्ड फॉर्म होता था हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते थे. बहुत सारे पॉइंट्स, बॉन्ड वहां पे बनता था जहां पे एनर्जी मिनिमम हो, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होता था. तो मिनिमम फॉर 3 मार्क्स एटलीस्ट यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स. जिन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे होंगे वो अपने आप को 3 मार्क्स दें. 4 पॉइंट से कम है तो वो अपने आप को 2.5 मार्क्स. जिन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है सब, सर मैंने सब टेक्स्ट बुक से लिखा है. नो नो प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक वाला और भी अच्छा है. हाँ सर, वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक एक लाइन लिखनी थी बीबीटी में. हाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल. ओके बिल्कुल लिख सकते हैं, सब कुछ लिखना है. सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन द पाई बॉन्ड. जब भी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ईच एंड एवरीथिंग. तुमने 2 पॉइंट्स को मिक्स किया है, दैट इज नॉट द इशू. बट यू हैव टू राइट 3 मिनिमम 4 5 लाइंस. ठीक प्रणव कुमार? हाँ तब ठीक है, देन यू गिव द मार्क्स. बट इट मस्ट बी 4 5 लाइन, अदरवाइज यू विल गेट हार्डली 1 मार्क्स 2 मार्क्स. Like that. Predict the hybridization of the IBR5. 9 लाइन लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा है. चाहे 4 पॉइंट को मिक्स करके लिख, चाहे कैसे भी लिख, बट नंबर ऑफ लाइन शुड बी मोर. बहुत ही अच्छा है. हाँ बिल्कुल रेवा, वेदांग बोले 1 पेज लिखा है, बिल्कुल 3 मार्क्स दो. शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि मिनिमम 3 मार्क्स के लिए 6 लाइन होनी चाहिए, 5-6 लाइन मिनिमम. प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. याद आया क्या? हाफ ऑफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता था. वैलेंस, यस साक्षी गोडके का आया है sp3d2. 7 के आउटर ब्रोमी आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7, मोनोवेलेंट एटम 5, कैटायन 0, अनायन 0. सो दिस इज 6, दिस बिकम sp3d2. सर pcl5 का sp3d. हाँ बोलो सर. वो स्ट्रक्चर निकाल के किया तो भी चलेगा? अरे वो तो और भी अच्छा है ना. ओके दैट इज द बेस्ट वन. बेस्ट पार्ट इज यू आर ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइटिंग बॉन्ड पेयर इतना, लोन पेयर इतना, कैसे भी करके करो. ठीक है ना? सिक्स्थ वन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर. 1-1-1-1-1 मार्क्स सभी पर. BS3 का क्या है? SPD3D में. BS3 का हाइब्रिडाइजेशन इज SP2. सिक्स्थ वन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, कितने बॉन्ड, 4. लोन पेयर कितना बच गया, 0. S का 1 ऑर्बिटल, P का 3, sp3. What is the regular structure if it is sp3? It is tetrahedral. CHH, H. C center पर. Then PCl5. अच्छा, 5वें में HCF2 था क्या? ओके
पीछे चले जाओ, XEF2 का कितना आया था बोलो सब लोग, ज़ेनॉन को एक एक फ्लोरीन दे दो। ये देखो बॉन्ड पेयर कितना, थ्री। वाओ सब लोगों ने करेक्टली फ्लिप करके दिया है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। दूसरे कोचिंग के बच्चों को नहीं आता है निकालने हाइब्रिडाइजेशन। sp3d pcl5 यहां पे देखो आता है, ये देखो फास्फोरस के आउटर मोसल में पांच, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया। टोटल सिग्मा बॉन्ड या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पांच, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जितने होते थे उतने बॉक्स काउंट कर लेता था sp3d एंड स्ट्रक्चर वाज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। यस ट्राइगोनल बाय पिरामिड, वेरी गुड। चैत्राली बोले सर IBR5 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने आते हैं? IBR5 कहाँ है? ये आयोडीन के आउटर मोसल में सात, पांच ब्रोमीन को दे दिया, एक एक बी आर बी आर बी आर, सेवन था। ये ले बॉन्ड पेयर कितना, पांच। लोन पेयर कितना, एक। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि सब लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना, स्ट्रक्चर निकालना आ गया है। IF7 आयोडीन के आउटर मोस्टल में सेवन, एक एक फ्लोरीन, सब भूखे बैठे हुए हैं, सबको उठा उठा करके एक एक पकड़ा दो। बॉन्ड कितने बन गए, सेवन। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, जीरो। sp3d3 यस, पेंटागोनल बाइपिरामिड इज 100% करेक्ट। मुझे लगता है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर सब लोगों ने लिखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का पहले फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद लिखा बॉन्ड ऑर्डर जितना हायर उतना बॉन्ड लेंथ शॉर्टर, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, फुल हुआ तो डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो या निगेटिव हुआ तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल दिस पॉइंट्स मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। जिसने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसने 2 मार्क्स देने हैं। क्वेश्चन 6 में वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कंपलसरी है लिखना। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वो डायरेक्ट नाम लिखा तो क्या ठीक है क्या? हाँ हाँ चलेगा ना, मुझे तो स्ट्रक्चर चाहिए था ना, तो पेंटागोनल बाई पिरामिड बनाओ वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। ये स्ट्रक्चर है एफ एफ एफ, वो तो मेथड था बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बट स्ट्रक्चर इज दिस वन। ओके तो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर भी लिख दिया मैंने। अरे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना था, O2 का कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 1s2 1s2 star, 2s2 2s2 star। लोगों ने गलती किया होगा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन लिखने में। 1s2 1s2 star, 2s2 2s2 star, 2p6 और ऊपर जा करके 2px star 1 2py star 1। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 बॉन्ड ऑर्डर 2। C
CO का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन यस 3 10 माइनस 4 ऐसा आया होगा. मैं बताऊं क्या करके, जिन लोगों ने 1s2 स्टार लिखा है वही नंबर देंगे. और बेस्ट तब होता है कि जब मैं क्या करता, एनर्जी डायग्राम देकर के करता तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ऐसा ऐसे भरना तो वो ज्यादा अच्छा है. अगर वर्ड यूज कर देता कि कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डायग्राम तो ऐसा लिखता 1s2 स्टार 2s2 स्टार ऐसा. तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2, CO का 3. व्हाट अबाउट C2? C2 का कितना है रे? C2 का वेदांत 4 बोल रहे हैं, आएगा ही नहीं 4. अरे मैंने क्लास में करा करके दिया है, तुम लोग तो ऐसे लिख रहे हो. 1s2 स्टार 2s2 स्टार 2p4. वन एस टू सेकेंड सेल में जाओ, 2s2 स्टार एंड 2p4. बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ 8 माइनस 4 विच इज 2. सब लोगों ने उल्टा सीधा क्या, वेदांत तो 4 बोला है, कैसे होगा रे भाई? सर वो मिस कैलकुलेट. रेवा हाफ कैसे होगा, 2 होगा रे बाबा. डायरेक्ट नहीं लिखना है सौरभ, डायरेक्ट लिखोगे 0 मार्क्स मिलेंगे. पूरा 1s2 स्टार 2s2 स्टार ऐसा लिख करके करना है. एंड बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एनडी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जिन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पूरे 3 मार्क्स में हाफ मार्क्स देंगे, सिर्फ हाफ मार्क्स. सर हाँ सर, एनर्जी डायग्राम नहीं बनाया तो चलेगा क्या? हाँ उन्होंने नहीं बोला है तो, लेकिन ऐसा करके लिखना है 1s2 हाँ हाँ वो किया है ठीक है. जिनको सौरभ बॉन्ड ऑर्डर तुमको नहीं पता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू, ठीक, डोंट वरी. व्हाट इज रेजोनेंस एंड इट्स इफेक्ट, मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि व्हेन एनी कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म ड्यू टू, दिस इज द बिगेस्ट वर्ड, delocalization of pi electrons, then it is called as resonance, and structures are called as resonating structures. Yeah, canonical structures bola tha, hybrid structure bola tha. Effect kya hoga? Jitna jada resonance hoga, compound utna stable hota jata. Okay. डिफाइन किया था व्हाट इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. ये देखो ये क्या था, म्यू इज 0 इक्वल एंड अपोजिट, तो दिस इज नॉन पोलर.
फिर ये H2O है, इसका स्ट्रक्चर इज एंगुलर, दिस इज नॉट द सॉरी इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, सो दिस इज पोलर। मैंने बोला था जहां पर भी लोन पे तुमको दिखाई देगा नॉर्मली जीरो नहीं होते थे, तो बोथ आर पोलर और ये वाला नॉन पोलर। डेफिनेशन पर एक मार्क्स या सॉरी डेढ़ मार्क्स और हाफ 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 तीन एग्जांपल। अब बोलो कोई ऐसा है क्या जो 30 out of 30 पाया है? कोई ऐसा है क्या 30 out of 30 पाया है? सर वो लास्ट का रिपीट कर। हाँ बोलो।